नमस्ते। आज 16 दिसंबर, 16 दिसंबर हम लोग जानते हैं 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध को हमने 13 दिन में जीते। इसी के नाते आज एक विजय दिवस के नाते देश भर में मनाया जाते हैं। इसलिए हमारे साथ है लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर जी, वो नेवी ऑफिसर थे। वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, ये बात हम जानते हैं। ऐसा ही विजय जी ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम ये मेडल जीते हैं, इनको मिला है। और नो यूवर आर्म्ड फोर्सेस के जरिए देश के युवाओं के साथ जुड़ा है, मोटिवेशन स्पीचेस और ब्लॉगिंग ये सभी करते हुए सैनिक के बारे में हर दिन वो सभी युवाओं के साथ बातचीत करते रहते हैं। विजय जी नमस्ते। पहला प्रश्न ऐसा है, ये विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? गुड मॉर्निंग टू यू। आई एम लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर एंड आई एम अ वेटरन एंड हैज बीन पार्ट ऑफ नेवी फॉर 10 इयर्स फ्रॉम 1999 to 2009। सो विजय दिवस के शुभ अवसर पर, दैट इज 16 दिसंबर 1971, वी वन दी वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, दी थर्ड वॉर रैदर, एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 25 ईयर्स तीसरी बार युद्ध हुआ था। और इसी दिन था विजय दिवस का जो इम्पोर्टेंस है, जो हम कहते हैं जिसकी वजह से विजय दिवस हुआ। इसी दिन 16 दिसंबर 1971 शाम करीब 4:30 बजे, आप सबको पता होगा जनरल नियाजी, जो पाकिस्तान के उस समय के वॉर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यू नो कमांडर थे, उन्होंने 4:30 बजे 16 दिसंबर को सरेंडर ऐलान किया था। उसी पेपर पर लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा उन्होंने अपनी हस्ताक्षर दी थी एज अ एक्सेप्टेंस। इसलिए 16 दिसंबर 1971 हमारे इतिहास में बहुत बड़ा है, और इसी दिन पाकिस्तान ने तीसरी बार हमें सरेंडर किया था, फिर भी वो कभी सुधरते नहीं। और इसी पर्व पर हम 16 दिसंबर 1971 के जैसे हम कहते हैं एनिवर्सरी मनाते हैं एवरी ईयर विजय दिवस कहलाकर। आपने बताया विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। 1971 का वार का शुरुआत कैसे हुआ, किसने शुरू किया? हम देखते आए हैं भारतीय सैन्य कभी भी पहले वार नहीं करते। अगर उनके ऊपर वार हुआ तो वो ठीक तरफ से जवाब देते हुए आए हैं। ऐसा ही 1971 वार कैसे प्रारंभ हो गया, इसके बारे में बताइए। अब ये 1971 की अगर आप इतिहास जाने तो ये वॉर क्यों हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो, क्योंकि 1965 में हम एक वॉर लड़ चुके थे। ये तब की बात है कि जैसे आप सबको पता होगा पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, कि ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान टिपिकली डोमिनेटेड थे यू नो दी पाकिस्तानीज एज वी कॉल, वेयर एज ईस्ट पाकिस्तान जो थे वो मेजॉरिटी वॉज बांग्लादेशी पाकिस्तानीज यू नो ड्यूरिंग दैट टाइम। और आप अगर पाकिस्तान की तुलना करें तो 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान, बट एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड यू नो द फिनेंशियली इकोनॉमिकली एवरीथिंग वॉज कंट्रोल्ड बाई
वेस्ट पाकिस्तान ये कंट्रोल करते थे। अब बात ऐसे हुई कि कहीं ना कहीं ये खटकने लगी ईस्ट पाकिस्तान को, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच भारत है, एक लैंड मास 1500 किलोमीटर दूर इन दोनों को सेपरेट करता है, और इसी के चलते वो एक टोटल कंट्रोल पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों जगह पर नहीं था। अब टिपिकली वही हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान जो है अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करने लगे, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान छोटा होकर भी सब कुछ वही करते थे, तो कहीं ना कहीं वो वो स्ट्रगल उनको लगा, कहीं ना कहीं वो क्रांति आने लग गई। और इसी के चलते जब वहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, तो वहाँ के जो शेख मुजीबुर रहमान, जो वहाँ की अवामी लीग के पार्टी के चीफ थे, जब उन्होंने अपनी पार्टी डिक्लेयर की और वो इलेक्शन में मेजॉरिटी पर आ गए, और जैसे वो मेजॉरिटी पर आ गए उन्होंने अपना हक क्लेम किया प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। सो काफ़ी तनावपूर्ण सिचुएशन रहा, बट वेस्ट पाकिस्तानी इसे मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो जनरल याया खान जो थे उन्होंने ऑर्डर दिया, जो पाकिस्तान के जनरल थे जो ईस्ट पाकिस्तान को देख रहे थे, उनको ऑर्डर दिया कि मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करना चाहिए, और जो भी नेता जो वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रहे हैं उनको ठिकाने लगाना है। तो पाकिस्तानी आर्मी ने इतनी एट्रोसिटी की बांग्लादेशी मुस्लिमों पर कि बहुत सारे लोगों को मार गया। अगर तादाद देखे तो लाखों में मर्डर्स, रेप्स, पुटिंग इन जेल, और बहुत सारी क्रिमिनल एट्रोसिटीज़ हुई। इसी के चलते बहुत सारे लोग रेफ्यूजी बनकर हमारे कंट्री में आने लग गए बंगाल की ओर। तो हमने क्या किया, हमें कहीं ना कहीं लगा कि एज सच हम भी फिनेंशियल स्ट्रगल, इकोनॉमिक स्ट्रगल से गुजर रहे थे, कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगा कि तब का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल, अपना मिलिट्री सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान को देने की ठानी। और इसी के चलते एक ऐसा सिचुएशन आया कि हमें लगा कि वॉर इनोवेटेबल है, वॉर होने ही वाला है। ये चलते चलते हम वॉर की तैयारी कर रहे थे, वो मानसून का सत्र था जबकि बारिश आने वाली थी, बस वो पूरे काल में हमने प्रिपेयर किया, और दिसंबर में एज सच हम अटैक करने ही वाले थे। बट एक दिन पहले, दैट इज 3 दिसंबर को 1971 को, उन्होंने हम पर अटैक लॉन्च किया, पाकिस्तान ने हम पर अटैक लॉन्च किया। अगर आप देखें तो फॉरवर्ड एयर बेसिस पठानकोट हुआ या जैसलमेर हुआ, आगरा हुआ, वहाँ सब पर उन्होंने अपना अटैक 3 दिसंबर शाम के बाद चालू किया। बस यही थी शुरुआत वॉर की। जहाँ तक ये वॉर कुल 13 दिन चली, और 13 दिन में हमने पूरा तहस नहस कर दिया पाकिस्तान को। अच्छा, और एक प्रश्न है, ये 1971 के वार में, युद्ध में आप तो नौसेना का अधिकारी रहे हैं, नौसेना का पात्र कैसा था? हमने सुना है नौसेना का पात्र बहुत प्रमुख था इसमें, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जहाँ तक नौसेना की बात है, ये वॉर में तीनों फोर्सेस, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी के जो बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सब भी पार्ट थे। जहाँ तक आप नौसेना की बात करें तो नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध था, फर्स्ट टाइम हम इतने एग्रेसिवली पार्टिसिपेट किए। और जब कहते हैं ना कि नौसेना अगर पार्ट करता है तो इतिहास बदल जाती है, मैपें बदल जाती है, और वही हुआ। तो 4 दिसंबर 1971 का वो दिन पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। उसी दिन ये हुआ कि हमने पूरी कराची को तहस नहस कर दिया, हर बाजू से अटैक। तो एडमिरल नंदा के नेतृत्व में नौसेना ने अपना पूरा प्रकोप उतार दिया पाकिस्तान पर। तो बहुत सारी शिपें, ईस्टर्न फ्लीट, वेस्टर्न फ्लीट की कमांडर बीबी यादव, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स थे और मैन थे। हमारी जो वॉरशिप्स ने
पाकिस्तान को पूरा तहस नहस कर दिया, उनके बहुत सारे जहाज़ों को मार गिराया, उनके बहुत सारे इंस्टॉलेशंस उनके पोर्ट पे मार गिराया, कराची तो पूरी जल रही थी। और इसी कार्यवर्ष इसी के तहत हम 4 दिसंबर 1971 जो है, और हर साल हम 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। यही नेवी का सिग्निफिकेंस है और इतिहास है। तो इतिहास ऐसा है कि मैं खुद एक नेवल ऑफिसर हूँ कि जब जब नेवी ने पार्टिसिपेट किया तब तब, जैसे मैंने कहा कि मैपे बदली है, तो 1999 दैट इज 99 जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भी हम वही सत्र में थे, शायद तब भी इतिहास बदल जाता अगर नेवी अगर अटैक करती। तो ऑलमोस्ट हम अटैक करने वाले थे, और मेरा सौभाग्य ये है कि उस समय मैं फ्रेशली पास आउट एकेडमी से होकर मैं वॉरशिप में था, और मैं गर्व से कहता हूँ कि ऑपरेशन तलवार जो कारगिल वॉर नेवी का ऑपरेशन कहलाता है, नेवी का टर्म है फॉर कारगिल वॉर, मैं उस युद्ध में सहभागी था, और इसके लिए मैं कारगिल वॉर मेडल मेरे चेस्ट पर पहनता हूँ। अभी एक ऐसा प्रश्न है, जैसा सैनिक के अचीवमेंट्स होता है, विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस है, इसको हम मनाते हैं देश भर में, ये मनाने से इसका असर सैनिकों के ऊपर और सैनिक के ऊपर कैसा पड़ता है, इसका इम्पोर्टेंस कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो हर साल जो हम विजय दिवस मनाते हैं, कारगिल दिवस मनाते हैं, नेवी डे मनाते हैं, एयरफोर्स डे मनाते हैं, आर्मी डे मनाते हैं, ये इन सब का एक महत्व है। तो जब भी देशवासी इन सभी दिनों को मनाते हैं, तो एज अ सैनिक एज अ फौजी हमें ऐसे लगता है कि हमारे देशवासी हमें भूले नहीं, इसी के चलते चलो कहीं ना कहीं वो हमें अपने दिल में रखते हैं, हमें याद करते हैं। तो जब जब हम कहते हैं 16 दिसंबर या 4 दिसंबर या जब कारगिल विजय दिवस आता है, तब तक हमें लगता है कि इतिहास को कोई भूला नहीं है। जिस बुरी तरह हमने पाकिस्तान को मारा था वो कोई नहीं भूला है। सो बहुत अच्छा लगता है जब देशवासी ये सारे दिन मनाते हैं। अब तो इन्फॉर्मेशन एज है, मीडिया का एज है, इंटरनेट एज है, तो सोशल मीडिया एज है, तो जब ये सब देखता है तो यूथ हमारे फौज की जो वैल्यू है वो समझता है, फौजियों की वैल्यू समझता है, फौजियों की कंट्रीब्यूशन को समझता है। तो ये सब दिन जब हम मनाते हैं तो एज अ फौजी हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि फौजियों को वो अपना काम निरंतर करते हैं, भले ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो अपने बॉर्डर पर तैनात रहता है, वो हवे पर अपने जो एयरफोर्स और जल में जो पानी जल में जो फोर्सेस है नेवी, हम सब अपना अपना काम निरंतर करते रहते हैं। जब ऐसे ऐसे दिनों पर जब याद होता है तो बहुत अच्छा लगता है। विजय जी, आखिर में एक सवाल है, जैसा कि आप तो हर दिन युवाओं से जुड़े रहते हैं, आखिर में ये प्रश्न है, देश के युवाओं के लिए आपका संदेश क्या है सैनिक के बारे में, सैनिकों के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी के जो जनरेशन है ये काफ़ी एजुकेटेड इंटेलिजेंट जनरेशन है। आप फौज को अपना करियर चुन सकते हो। मैं जैसे मेरे सारे सत्र में या टॉक में कहता हूँ कि फौज एक करियर नहीं है, फौज एक जीने का तरीका है, और ये आपको एक रॉ यंग बंदे से लेकर आपको एक मैच्योर्ड पर्सनालिटी बनाती है, और हमारे फौज का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश में। तो मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी यूथ को कि इन्हें रिस्पेक्ट कीजिए, इनका कंट्रीब्यूशन हमेशा सराहिए, इनको जब भी आप इन्हें देखें कहीं, जैसे अब्रॉड कंट्रीज़ में होता है कि जब एक फौजी अपनी यूनिफॉर्म में होता है, या जो वेटरन्स होते हैं जो सर्व कर चुके होते हैं देश को और रिटायर हो चुके होते हैं, इनकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है हर जगह पर, लोग उन्हें सराहते हैं, लोग उनके गले मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी भी दिल में ये तमन्ना है कि कहीं ऐसा टाइम आना चाहिए कि लोग हमारी फौजियों की इज्जत करें,
ये नहीं कि जब वो यूनिफॉर्म में हो, इवन जब वो बाहर हो तो उनसे बात करे, उनसे गले मिले। ये यू नो, जैसे मैं खुद एक सैनिक हूँ, जैसे आपने कहा, तो हमारी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी छोटी होती है। यू नो, आप बस हंस दो, प्यार से गले लगा दो, हमारे लिए बहुत है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो यूथ से हमेशा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि फौज एज अ करियर आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। ये आपको आपको जीने का तरीका सिखा देगा, ये आपके जो पर्सनालिटी में चार चांद लगा देगी। तो इसलिए हम इंग्लिश में जो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपीरियंसिंग एन एक्सपीरियंस, तो फौज पूरा वही है। जी, आप आए और इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपने दिया। अभी हम लोग देखते हैं, अभी तो सैनिक के बारे में, सैनिकों के बारे में बहुत सारे गर्व महसूस होता है। सोशल मीडिया में हम देखते रहते हैं, जब भी गांव में हो, कहाँ भी सैनिक मिला तो हम सैल्यूट करते हैं। अभी इतने गौरव प्राप्त हो रहे हैं सैनिकों को। इस विजय दिवस के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। हम सभी आपका ब्लॉग देखेंगे और नो योर आर्म्ड फोर्सेस वो देखते रहेंगे, और आपका जो भी मोटिवेशन स्पीचेस है हम सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद एंड जय भारतवर्ष।